हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज। मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम DLED 4th सेमेस्टर सोशल साइंस की क्लास ले रहे हैं और आपको अभी तक 3 से 4 वीडियो मिल चुका है, जिसमें हमने 1857 की क्रांति से लेकर 1947 अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता तक पढ़ चुके हैं। आज हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन अर्थात धर्म और समाज के लिए जो आंदोलन हुए और उस आंदोलन के जो नेता थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आपको जो कल का वीडियो था वह लाइव नहीं मिल पाया, उसका कारण था कि जो नेट थी वह बहुत ही ख़राब अर्थात कह सकते हैं कि वह नहीं चल रहा था, जिस कारण उसका वीडियो आज आपको एक दिन बाद मिला होगा, जो प्रीमियर वीडियो के रूप में मिला वह वीडियो लाइव नहीं था। और उसमें कुछ लोगों की शिकायत थी कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वह वीडियो प्रीमियर होने के बाद जब वह हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको, तो वहां से आप उसे पुनः दे सकते हैं। और कुछ मेरे दोस्तों का कहना था कि क्या यह वीडियो दोबारा हम दे सकते हैं, जी हाँ, यह हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बताइए और उसे मैं सही करूँगा। और हाँ, कल से जो मतलब कि जो अब वीडियो होगी वह वीडियो लाइव होगी, यह वीडियो भी आपका जो होगा वह प्रीमियर वीडियो होगा, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम आज भी है, तो 2 दिन से नेट की प्रॉब्लम है। और उम्मीद है कि कल जैसा कि आप जानते हैं 21 तारीख के साथ 21 तारीख है, तो 21 तारीख के जो वीडियो होगा शाम को 7:15 पे वह वीडियो आपको लाइव मिलेगा। तो चलिए चलिए आज हम देखते हैं कि धर्म और समाज में जो सुधार हुए, जो उसके संबंधित आंदोलन हुए, वो आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन प्रमुख है और आपके सिलेबस में कौन से आंदोलन है और उस आंदोलन से जुड़े लोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया और कब किया, चलिए इसे देखते हैं। जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 में, कब 1828 में ब्रह्म सभा के रूप में होती है। किस सभा के रूप में? ब्रह्म सभा के रूप में होती है, इसकी स्थापना ब्रह्म सभा के रूप में होती है और आगे चलकर यह ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। तो इसकी जो स्थापना था, इसकी स्थापना किसने की थी उसे हम देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। क्या किया था? राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब यहां बात आती है राजा राम मोहन राय की, तो चलिए अब हम इनके बारे में, हमने देख लिया ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ब्रह्म सभा के रूप में हुई, जो आगे चल के ब्रह्म समाज के रूप में जानी गई, और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय संबंधित कुछ तथ्य, ये भी आपके सब्जेक्ट में है कि जो प्रमुख नेता उनके बारे में। तो राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जो राजा राम मोहन राय थे, यह ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इसे याद रखिएगा आप, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए क्या चलाया? आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही, उनके अंदर जो विचार था उसी के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। कब? 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। याद रखिएगा, उन्हीं के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। आगे क्या होता है, देखिए जो राजा राम मोहन राय थे उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता क्या कहते हैं इनको? भारतीय
भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। क्या? अतीत और भविष्य के बीच सेतु। तो इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, अतीत और भविष्य के बीच सेतु। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मिटा रहा हूं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, अतीत और भविष्य के सेतु। चलिए और देखते हैं इन्हें किस नामों से उपनाम इनके दिए जाते हैं। इसके इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, क्या बोलते हैं इन्हें? भारतीय भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता। ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष। क्या? प्रथम प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। युगदूत के नाम चुने जाता है, जैसे हम बताएं आपको, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, अतीत और भविष्य के बीच सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। और कुछ लोगों की यह प्रॉब्लम था कि उनका कहना था कि मार्कर सही नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मार्कर बिल्कुल सही है, रोज नया मार्कर यूज होता है। और आप अपने यूट्यूब के ऊपर देखेंगे बगल में, तो वहां से वीडियो क्वालिटी होती है, वहां से आप इसका वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और वीडियो क्वालिटी आप बढ़ाएंगे तो जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है बिल्कुल साफ दिखेगा। और मार्कर में से है की बात, तो मार्कर रोज नया यूज होता है, और आप ऐसा करिए वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और जो प्रीमियर वीडियो होता है वह थोड़ा धुंधला होता है, लेकिन जैसे वो वीडियो अपलोड होता है वह बिल्कुल आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित और क्या होता है। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था 1814 में? कब? 1814 में युवा समर्थक, जो उनके युवा समर्थक थे उनसे मिलकर एक आत्मी सभा की स्थापना करते हैं। किसकी? आत्मी सभा की स्थापना करते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय 1814 में अपने युवा समर्थकों से मिलकर, उनके सहयोग से आत्मी सभा की स्थापना करते हैं। अब देखिए, अब इन्हीं से संबंधित और कुछ देख लेते हैं हम। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। किसकी? ब्रह्म सभा, मतलब राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। देखिए, ये तो हो गया इनके विचारों को इन्होंने प्रसार किया, ये आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना करते हैं। अब देखिए, जो ये था ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, इसे आप अब्रह्म समाज जानिए, आप ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज था यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत बड़ा क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। और इसी के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय,
कौन? मुगल बादशाह अकबर सेकंड। मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भेंट की। किसकी उपाधि? राजा की उपाधि। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को क्या क्या दी? राजा की उपाधि, राजा की उपाधि दी, ठीक है। और उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1930 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट कहां पे 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा, इसे राजा राम मोहन राय। चलिए तो ये देख लिया हमने ब्रह्म समाज। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम रामकृष्ण मिशन। क्या? रामकृष्ण मिशन। अब यह रामकृष्ण मिशन क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, जो स्वामी विवेकानंद, इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, जिसे आप भली भांति परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद को हम महापुरुष कहते हैं, इनकी तुलना हम कर ही नहीं कर सकते। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, कब की थी उसे भी हम देखेंगे। और ये क्या थे स्वामी विवेकानंद के बारे में भी हम जानते हैं। देखिए, जो रामकृष्ण परमहंस की, जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने के लिए स्वामी परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या जो थी उनकी, जो उनकी शिक्षा थी उसे साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा के माध्यम से बहुत जगत में बहुत सारे सुधार किए। इस मिशन और इस आंदोलन से उन्होंने समाज के जो युवा पीढ़ी थी उसे स्वामी विवेकानंद ने बदलने का प्रयास किया। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। क्या? स्वामी विवेकानंद नवीन, एक वो नेता टाइप के निकले, एक प्रचारक, एक धार्मिक प्रचारक के रूप में वह हिंदू धर्म के लिए आ गया है। और वह 1893 ईस्वी में शिकागो गए। वहाँ पर क्या किया उन्होंने? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब? 1893 में शिकागो, स्वामी विवेकानंद कहाँ जाते हैं? शिकागो जाते हैं। और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण देते हैं। उन्होंने गीता पे भाषण दिया था। क्या? 1893 ईस्वी में वो शिकागो जाते हैं और क्या, अपना सुप्रसिद्ध भाषण देते हैं। और इन्हीं के संबंध में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? जहां तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहेंगे। किसने कहा था ये? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था, जहां तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहेंगे। अब हम आते हैं वापस रामकृष्ण मिशन पे। तो ये हो गई स्वामी विवेकानंद संबंधित बातें। अब हम फिर वापस आते हैं रामकृष्ण मिशन पे। तो विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की और स्वामी विवेकानंद ने इस मिशन, इस संस्था की स्थापना 1897 में किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में हुई। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। देखिए, रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। कहाँ पे? कलकत्ता के कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर, ये मायावती स्थान का नाम है,
आप लोग कुछ और नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर क्या किए वो, इस रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय खोलते हैं। तो ये हो गया आपका रामकृष्ण मिशन। चलिए हम आगे देखते हैं, अब कुछ और मिशन को देखते हैं। अगर वीडियो की क्वालिटी आप अच्छी नहीं आ रही है तो आप वीडियो क्वालिटी ऊपर से बढ़ा लीजिए, उसे 240 से बढ़ाकर 360 720 करके देखिए, जो वीडियो क्वालिटी होगी वह अच्छी होगी। अब देखते हैं हम आर्य समाज, क्या आर्य समाज, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई और किसने की, तो जो आर्य समाज की स्थापना थी वह दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन, दयानंद। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज या आर्य समा की स्थापना की, और कब किया, तो यह आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 7 अप्रैल 1875 कब किया, 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं, क्या मूल शंकर, याद रखिएगा मूल शंकर, ठीक है। तो जिसका मुख्य उद्देश्य, इस आर्य समाज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य दयानंद सरस्वती जी का यह था कि मुख्य उद्देश्य उनका था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना की जाए, जो प्राचीन वैदिक धर्म थी उसकी स्थापना पुनः की जाए, ठीक है। और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। कहाँ पे, मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, लाहौर में स्थापित किया गया। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो या चलो का नारा दिया था। ये नारा बहुत प्रसिद्ध है, पुनः वेदों की ओर चलो या लौटो, पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या थे वो, उनका उद्देश्य क्या था, उसे देख लेते हैं। तो उनका उद्देश्य यह था कि भारत को धार्मिक सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए, क्या धार्मिक सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्म कांडों को स्वीकार नहीं करते थे। जो उनका मानना था कि धर्म के रूप में एक हो, लेकिन वह क्या, मूर्ति पूजा न हो, बहुदेववाद न हो, अवतारवाद न हो, पशु बलि न हो, तंत्र मंत्र झूठे कर्म कांड न हो। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार और धार्मिक सुधार के प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग, नाम याद रखिएगा, क्या भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से दयानंद सरस्वती जी को जाना जाता है। चलिए, हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन को पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं और कुछ धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को देखते हैं। तो अगला जो है आपका, आपके सिलेबस में, वह है प्रार्थना समाज, क्या प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई और किसने किया। तो जो प्रार्थना समाज थी उसकी स्थापना 1867 में हुई, कहां पे हुई, मुंबई में हुआ, और किसने किया, इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में हुआ, और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से
आत्मारंग पांडुरंग ने किया। किसने? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया या पांडुरंग द्वारा हुआ। देखिए महादेव गोविंद रानाडे, नाम आपको याद आ गया, महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे, इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। कब? 1869 ईस्वी से जुड़े। इस संस्था का उद्देश्य क्या था, हमने देख लिया स्थापना कब हुई, किसने किया। अब इसके उद्देश्य को हम देखते हैं, तो इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध। क्या? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि। क्या? स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। अब देखिए 1867 में ही आत्माराम पांडु जो थे, आत्माराम पांडु ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, और उस समय से जो प्रेजेंट टाइम हमारे सरकार कर रही है, करती है, वो स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि चाहता है, वो हो रहा है, वह जाति का विरोध करता है। मतलब इतने साल पहले भी यह विचारधारा थी भारत में, ठीक है। और रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका प्रार्थना समाज। अब देखते हैं और कुछ इसमें है, अगर आपको सिलेबस में आपके, तो आपके सिलेबस में एक है थियोसोफिकल सोसाइटी, इसे भी हम देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है जो बिल्कुल फ्री चल रही है। हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे टेट सीटेट की जो लेक्चर है, जो कोचिंग है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप, आपको तो मालूम होगा हमारा मोबाइल नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप में बिना स्पेस के दुर्गेश सर्च करना है। सर्च करते ही ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी न्यूज होती है लाइव वीडियो का या कोई भी नोट्स होता है तो आपको वह वहीं पे मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम, अगली जो आंदोलन हुआ है, समाज सुधार हुआ, वह कौन था? तो वो था थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या थी? थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना एक रूसी महिला मैडम एचपी, कौन थी? मैडम, इसकी स्थापना मैडम एचपी ब्लाडस्विस्की, नाम थोड़ा टेढ़ा याद रखिएगा। क्या है? मैडम एचपी, सॉरी नाम थोड़ा सा, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की ने अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकार्ट विलियम क्वान जज द्वारा की गई। मतलब इसमें बहुत लोग थे कि ये थी रूस की, कौन थी? रूस की मैडम एचपी ब्लावेट्स्की। क्या? ब्लाडवेस्की, और अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी के जो सैनिक थे, कर्नल थे, उनका नाम था अलकार्ट विलियम। रूस की थी मैडम एचपी और अमेरिका के थे अलकार्ट विलियम ने मिलकर, क्या, और इसमें और लोग शामिल थे, इसकी स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना 1875 में की गई। कहां पे की गई? न्यूयॉर्क में की गई। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। इसमें बहुत लोग शामिल थे, इसमें प्रमुख थे रूस की मैडम एचपी ब्लाडवेस्की और अमेरिकी कर्नल थे, उनका नाम था अलकार्ट विलियम। इसकी स्थापना 1875 में की गई। और बाद में क्या होता है 1888 ईस्वी में, कब? 1888 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनती है। क्या?
1888 ईस्वी में इस सोसाइटी की सदस्य बनती है तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। इसने श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो ये हो गया आपका जो सिलेबस था, जो सिलेबस में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थी ये पूरा हो गया। और अब से हम जब अगला जो आपका टॉपिक होगा सोशल साइंस में, उसमें हम भूगोल से संबंधित, इससे भूगोल से संबंधित जो कल का वीडियो आपका होगा लाइव 7:15 पे, 21 तारीख को जो वीडियो आपका होगा 7:15 पे मिलेगा वीडियो आपको, उसमें हम भूगोल में जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसे देखेंगे। और एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ जाइए, आप ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे बिना स्पेस के दुर्गेश सर आप सर्च करेंगे और आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश चैनल मिलेगा, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी जुड़ जाइए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप वीडियो लाइक करें या ना करें लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपके जितने भी ग्रुप होंगे, आपके BTC कॉलेज के ग्रुप होंगे, उन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो सभी जो 4th semester के स्टूडेंट हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलते हैं आज। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।